हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह पर कुशल मंगल हैं। तो चलिए आज चर्चा करेंगे हम लोग ई कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कि एग्जैक्टली ई कॉन्ट्रैक्ट्स होता क्या है। बहुत सिंपल है, इमेज को देखकर भी आप समझ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक वे में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज द ई कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स ड्राफ्ट भी आपने इलेक्ट्रॉनिकली किया है और साइन भी आपने इलेक्ट्रॉनिकली किया है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? यस ऑफ कोर्स यार, इट सेव्स योर टाइम, कॉस्ट एंड रिड्यूस योर पेपर वर्क। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव होता है, वो आपका बचाता है। पेपर वर्क जो है बहुत पेपरलेस काम हो गया ना ये आपका, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो टाइम है। टाइम तो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीशियस है ना। आप एक जगह बैठे हैं, दूसरा बंदा दूसरी जगह बैठा है, फिर भी आप अपनी अपनी जगह बैठकर भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का डील कर सकते हैं। कितना इजी है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ये है हमारे संता जी और ये है हमारे बंता जी। तो संता जी ने क्या किया, एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया कंप्यूटर में, ठीक है, और सेंड टू बंता जो आप उसके बिजनेस एसोसिएट हैं, किसके जरिए, मेल के जरिए, और बोला कि ये मेरा ऑफर है, इफ यू आर एग्री देन जस्ट एक्सेप्ट इट। बंता गोज थ्रू आउट द एग्रीमेंट, प्लेसेस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड सेंड बैक टू संता विया मेल शोइंग एक्सेप्टेंस। सिंपल है। मान लीजिए संता जी ने एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया और उसका पीडीएफ है ना, उसका उसको पीडीएफ बनाकर जो है मेल में अटैच कर दिया और बोला कि सर ये मेरा ऑफर है ना, आपको अगर पसंद आ रहा है तो इस पीडीएफ को ओपन करके आप इसमें साइन कर दीजिएगा और वापस से पीडीएफ बनाकर आप मुझे मेल में रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। और यही हुआ, संता जी ने मेल किया, पीडीएफ अटैच किया, बंता जी ने मेल ओपन किया, पीडीएफ को ओपन किया, उसमें सिग्नेचर किया और सिग्नेचर करके वापस एक पीडीएफ बनाया और पीडीएफ बनाकर उसी मेल में भेज दिया और कहा कि आई एम एग्री विद दैट। सो दैट कॉल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग विद द हेल्प ऑफ ईमेल। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही जो है ना, बहुत सारे मोड हैं जो मैंने एक तो आपको मेल के जरिए बता दिया। इवन नॉर्मली मालूम है, अगर आप जस्ट ओके भी बोल देते, आई एम एग्री विद दैट प्रपोजल, आप ऐसा भी अगर मेल में लिख देते हैं तो भी वो एक्सेप्टेबल है। इज दैट क्लियर? तो ये ईमेल की गाथा है। दूसरा है वेबसाइट फॉर्म्स। आपको पता है आज की तारीख में आप बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं, है ना, सही है ना? कुछ नाम तो आपको अपने आप ही याद हो गए, अमेजोन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, है ना, ये सारे बहुत सारे जो मार्केट प्लेसेस हैं जो कई सारे गुड्स एंड सर्विसेज के क्या करते हैं, डील करवाते हैं। तो वो लोग आपको इलेक्ट्रॉनिकली क्या करते हैं, ऑफर करते हैं बाय पुटिंग देयर प्रोडक्ट्स इन देयर वेबसाइट, राइट? और आप क्या करते हैं, उसके रिव्यू करते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको बताते, दैट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वेबसाइट फॉर्म्स हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स भी होते हैं, जिस तरह से मैंने आपको ईमेल में पीडीएफ वाला कंसेप्ट बताया, वैसे ही बाय डिफॉल्ट एक वेबसाइट में कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए होते हैं और सामने वाले को वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना होता है और नीचे एक बटन होता है, आई एग्री और आई एक्सेप्ट इट, और जैसे आपने उसको बटन दबाया, दैट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड, दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें हैं, आजकल बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी ये डील कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मूव्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके एसेंशियल्स क्या होंगे। तो डियर, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या एसेंशियल्स हैं, 9 एसेंशियल्स, यू नो वेरी वेल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, उसका शॉर्टकट मैं आपको वापस बता देता हूँ, एक्सेप्ट फ्री काले काले ऑफर, याद आ रहा है ना? जी हाँ, वो सारे 9 एसेंशियल्स जो हैं इसमें भी मौजूद होने चाहिए, क्योंकि वो कागज में कॉन्ट्रैक्ट है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कंसेप्ट तो वही है ना। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ई कॉन्ट्रैक्ट का जो ट्रांजेक्शन है, मतलब ई कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया जा रहा है, उसकी अथॉरिटी किसने दी है। तो उसकी अथॉरिटी दी गई है एक कानून ने, दैट कॉल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। जी हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर ई कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है कि नहीं, ये पावर दिया है आईटी एक्ट 2000 ने। ठीक है, ये क्या कराता है कि भैया कौन कौन से ऐसे मोड हैं जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ बताए हैं, और उसके अलावा आप ऑफर और एक्सेप्ट को कैसे कैंसिल भी कर सकते हैं, रिवोक भी कर सकते हैं, वो भी इसमें बताया गया है। तो हम इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा एरिया नहीं है, हमें सिर्फ आपको ये बताना है कि भैया ई कॉन्ट्रैक्ट का वजूद है और वो वैलिड है, ठीक है, और ये ट्रांजेक्ट करने की अथॉरिटी किसने दी है, यस आईटी एक्ट 2000 में, ठीक है। अब बात आती है कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का इसमें रोल क्या है। यस ऑफकोर्स, कॉन्ट्रैक्ट
के जो रूल्स बने वो तो किसमें बने हुए हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बने हुए हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड को जो संभाला जाता है वो संभालता है आईटी एक्ट 2000, समझ में आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट को चलाता है, सिंपल बात। तो इसलिए यहाँ पर और भी चीजें मैंने लिख दी हैं आपके नॉलेज के लिए, सम अदर लॉज ट्राइंग टू रेगुलेट बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। यस ऑफ कोर्स, ये तो आईटी एक्ट 2000 तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड को संभालता है, आर यू गेटिंग और नॉट, लेकिन ई कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए जो भी डील्स करने हैं तो उससे रिलेटेड जो भी एक्ट बने हुए हैं वो भी फॉलो होंगे। जैसे हम बड़े पैमाने पर बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बिकॉज ये सारे कॉन्ट्रैक्ट का बेस है, इसी के बेस पर फिर आगे की चीजें चलती है। जैसे अगर कंज्यूमर से रिलेटेड बातें हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब दोनों इन्वॉल्व हो जाएगा अगर कंज्यूमर भी आ रहा है तो। और कॉपीराइट से इश्यू है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1957 भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो फिर ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बाय डिफॉल्ट मौजूद रहेगा ही रहेगा। इज दैट क्लियर? सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड वेरी वेल दी ऑल थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स। तो चलो फटाफट से हमें इन सब में और क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमारे दिमाग में हमेशा ये बात बनी रहे, तो फटाफट से देखते हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्टेड एंड साइंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, Authority of transaction for e-contracts is established under IT Act 2000. What is IT? Information Technology. Is that clear? Next, really need all elements for a valid contract? Yes. E-contract is also a valid contract. So we need all nine essentials जो already हमने discuss किए हुए हैं, उसका shortcut मैंने यहाँ पर लिख दिया है। Accept free काले काले cola offer. Accept free काले काले cola offer. Is that clear? तो ये सारे नाइन एलिमेंट्स होने चाहिए। सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। थैंक यू।